नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की, और ये प्रैक्टिस सेट हमारा संबंधित है, आज का जो टॉपिक है भारतीय राजतंत्र एवं शासन, और प्रैक्टिस सेट संबंधित है UPPCS प्री एग्जाम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारतीय उच्च न्यायालय किस परिस्थिति में माननीय राष्ट्रपति को अपना परामर्श प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों देखिए, जो भारत का उच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को तभी अपना परामर्श प्रदान कर सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा सलाहित कहा जाए। तो इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में द्वैत शासन को स्थापित किया गया था? तो भारत में द्वैत शासन को स्थापित किया गया था 1919 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा का जो दायित्व है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही है। तो ऑप्शन 3 में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संचित निषेधन यानी ऋण निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो भारत के संचित निषेध जब भी धन निकाला जाता है दोस्तों, तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें संसद जो है उसका अनुमोदन जरूरी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक आवश्यक है? तो दिए गए जो ऑप्शन है इनमें जो सर्वाधिक आवश्यक है देश के शासन के लिए वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन यानी वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी संख्या में वृद्धि केवल और केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में जो मंत्रिमंडल है दोस्तों वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का यानी 51A है वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन कभी भी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा है? तो इसके लिए अगर हम बात करें, S.L. सकदर यह मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं, B.V. टंडन भी रहे हुए हैं, V.S. रमा देवी भी रहे हुए हैं, केवल B.K. मुखर्जी जो है भारत के कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कारागार, पुलिस, विधि तथा व्यवस्था आ जाते हैं, जबकि ए दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार या समानता का विचार ग्रहण किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का जो विचार है वो अधिग्रहण किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति के कार्यों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो सभी कथन पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले पहला कथन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, वह दोनों सदनों का को आहूत कर सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों ही सदनों को संबोधित कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को भंग कर सकता है, दोस्तों बिल्कुल ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन भंग नहीं होता है कभी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ऑप्शन डी वह किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15,
उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु उम्र का प्रावधान क्या है? तो जैसा आप लोग दोस्तों जानते हैं 35 वर्ष है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में एक पेज दोस्तों पीछे है, तो वहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो इन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। जबकि अन्य नाम की अगर हम बात करें चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, और तो ये दोनों लोग ही कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि ये सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किस वर्ष लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में देखिए दोस्तों, जो 1970 में जो है सर्वप्रथम लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया था। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने के लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों? जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एंड अगर हम अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, थोड़ा सा दोस्तों एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उसको हटाने के लिए पेज आगे पीछे हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसके द्वारा क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है? तो क्षेत्रीय चुनाव जो आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में ये 20 क्वेश्चन थे, इनके आंसर भी आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, हर पेज के नीचे भी मिल जाएंगे। एक छोटी सी सलाह दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगी कि जब भी आप देखा करिए क्वेश्चन, अगर जवाब देने की कोशिश किया करिए, और ये आपका जवाब वो मेरे दिए गए जवाब से टैली नहीं करता, तो आपको एक बार गूगल जरूर कर लेना चाहिए। गूगल कर लीजिए, आपके पास जो अदर रिसोर्सेज हैं पुस्तकें हैं उनसे आप देख लीजिए। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तैयारी अच्छी होने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो 2 से 4 चीज़ें और भी आपको मिलती हैं जो कि आपके ज्ञान को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता के और पास ले जाती हैं। वैसे मेरा प्रयास रहता है दोस्तों कि मैं जो भी डेटा दूँ उसमें गलती ना होने पाए, त्रुटि ना होने पाए, लेकिन बहुत सावधानी रखने के बावजूद भी एक ह्यूमन बींग्स होने के कारण कहीं ना कहीं कभी गलती हो जाती है। तो यदि ऐसी कोई गलती मुझे दिखती है, वैसे गलती मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आपको क्योंकि मैं क्रॉस चेक भी करता हूँ, फिर भी यदि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको वीडियो के बीच में सुधारा नहीं जा सकता जैसा आप लोग जानते हैं, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, PCS के लिए एक जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी सार्थक क्लासेस का वर्तमान में चल रहा है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप चाहें तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। जो भी नोट्स होंगे प्लस जो भी स्टडी मटेरियल होगा, ये जो इम्पोर्टेंट लिंक होंगे प्लस प्रैक्टिस सेट के लिए प्लस सारा कुछ आपको वहाँ पर दिया जाता है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो कि एक पेड ग्रुप है जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, ऑल्दो आपके पास मेरा नंबर होगा फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9506543831, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।